अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ से मैं हूँ ज़ैनब जतुई और मैं हूँ ज़ौक अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात होगी तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से। शहर होगा तजावजात से बिल्कुल खाली। बल्दिया उज़्मा ऑपरेशन के लिए तैयार। कल से ऑपरेशन क्लीनअप शुरू होगा। कल तजावजात पर रेड क्रॉस, परसों मिसमारी होगी पहले मरहले में। 18 रोज तक ऑपरेशन जारी रहेगा। 9 जोनों की 2 टीमें तैयार हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा रजा ताहिर से, जो हमारे साथ मौजूद है। जी रजा, बताइएगा इस ऑपरेशन के हवाले से कब से शुरू हो जाएगा ये? बड़ा ऑपरेशन है जो अब किया जा रहा है, उसके अंदर ये जॉइंट ऑपरेशन होगा। बल्दिया उज़्मा ने आज जो है उस हवाले से एक जो है इश्तहार भी दिया है, जो कि नोटिस है, पब्लिक नोटिस है कि जो तजावजात हैं उनको पूरे शहर से ख़त्म किया जाएगा। ये ऑपरेशन जो है कल से जो ये स्टार्ट हो जाएगा 1 अक्टूबर, यानी कल से। इसकी जो डेडलाइन भी दे दी गई है, कल तक डेडलाइन है। इसके अंदर बड़ा वाजह कहा गया है इस इश्तहार के अंदर जो उन्होंने नोटिस दिया है उसमें, कि जितने भी तजावजात हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, वरना ये तजावजात को भी ख़त्म किया जाएगा और उसके ऊपर जो खर्च आएगा सरकार का वो भी बतौर मालिया वसूल किया जाएगा। अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो ये LDA बल्दिया उज़्मा और वॉल सिटी अथॉरिटी की जहाँ जहाँ पर इनकी आखिरकार 9 जोन में ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पंजाब की जेर सदारत मीटिंग जारी है। तजावजात के हवाले से कमिश्नर लाहौर डिवीजन डॉक्टर मुश्तबा प्राचा और DC लाहौर कैप्टन वारूला इस वक्त उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं, और ब्रीफिंग में जो बताया जा रहा है कि किसी को तंग नहीं किया जाएगा और जितने भी तजावजात हैं उसके हवाले से नोटिस जारी हो चुके हुए हैं। और कल का जो रोज है, मंडे का रोज, यानी कि 1 अक्टूबर को रेड क्रॉस लगाए जाएंगे तमाम तजावजात जहां जहां पे मार्केटों में। प्लान शेड्यूल जारी कर दिया गया और इस हवाले से 18 रोजा ये जो है वो तजावजाती ऑपरेशन जारी रहेगा, और अक्टूबर का महीना जो है इसमें ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। और इससे मैं ये भी बताऊं जो कि 4 साल कबल जो है वो ऑपरेशन किया गया था नून लीग की गवर्नमेंट में, और अब तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो लाहौर शहर में ही ऑपरेशन करने जा रही है। 4 साल पहले हजारों कनाल जो है वो जमीन वाजवार कराई गई थी, और दोबारा 4 साल प्लान जो है वो देखा गया, और 4 साल पहले जो हजारों कनाल जमीन जो वाजदार करवाई गई थी उसको दोबारा से वाजदार करवाना मकसद है इस वक्त। और इसमें तमाम जितने भी अलाइड महकमे हैं, LDA है, PHA है, LESCO है, और इसके साथ साथ PTCL है और 112 रिजर्व पुलिस, तमाम तर महकमे जो हैं वो कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर के निगरानी में काम करेंगे, और ये तो तमाम तर टास्क जो है सीनियर वजीर अब्दुल रहमान की तरफ से कमिश्नर लाहौर डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर को दिया गया है। प्लान के मुताबिक जो लाहौर न्यूज ने हासिल किया है, 9 जोनों के LDA के हमरा 2 टीमें तैयार की गई हैं, क्योंकि जुरिस्डिक्शन आधी LDA की है और 60% जो है वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन दिल्ली इंतजामिया की है। प्लान के मुताबिक 2 अक्टूबर को तजावजात और गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ 1 अक्टूबर को तजावजात पर रेड क्रॉस निशान लगाए जाएंगे, जबकि 2 अक्टूबर को ऑपरेशन 11:30 बजे शुरू किया जाएगा। ऑपरेशन पहले रोज दातागंज बस शालामार जोन सदरदार और दूसरी तरफ से 2 टीमें बनाई गई हैं। एक टीम जो है वो सदरदार में ऑपरेशन करेगी जो LDA की जुरिस्डिक्शन होगी, और दूसरी तरफ जो है वो अनारकली और लिंगटन रोड और उर्दू बाजार में ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। दूसरे रोज जो है मदीना मार्केट टाउनशिप जो LDA के जुरिस्डिक्शन है वहाँ पे ऑपरेशन होगा, और सर्कल रोड इमरान मलिक हमारे साथ रहेगा।